आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी यार इट इज भाई। जिस दिन से ये हेलमेट यार मेरे पास आई है ना, उसी दिन से आई एम मैड अबाउट इट। लिटरली पब्लिक पे इतना जबरदस्त रिस्पांस आता है, जो भी इसको देखता है भाई पूछता जरूर है ये हेलमेट है कौन सी भैया। एंड इवन इंस्टाग्राम पे भी जो भी लोग मेरे फोटोज वगैरह देखते हैं दे डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन कि भैया हेलमेट कौन सी है आपकी। तो वेल आप सबको तो पता ही है, आप सब्सक्राइबर हो भाई द डार्क स्पेक्टर के, आपको सब मालूम होगा। ये हेलमेट जिस दिन आई थी तब से लेके अब तक मैं इसको प्रॉपरली नहीं पहनता, मतलब बाहर वगैरह जाता हूँ नॉर्मली नहीं पहनता हूँ, दो तीन फोटोज खींचेंगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो इसलिए क्योंकि इसकी अभी वीडियो पेंडिंग थी और वो थी ये भाई रूरोक में कुछ लगना बाकी था। मैंने आपको कहा था ये हेलमेट है 2050 की, ये फुल्ली लोडेड है टेक्नोलॉजी से, सेफ्टी से और इवन लुक्स तो भाई क्या ही कहने, जस्ट देखो तो सही भाई कितनी मस्त लगती है और हमारी पर्सनैलिटी वाइब्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। एंड आज गाइज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं शॉक वेव। एंड वेल ये शॉक वेव जो है ये रूरोक ने स्पेशली बनाया है इसके लिए, ताकि आप इसमें अपने कॉल्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह सुन सको। बेसिकली इट्स नॉट एन इंटरकॉम सिस्टम, आप मान लो राइड कर रहे हो, कुछ लोग मेरी तरह हेडफोन्स लगा के जुगाड़ लगते हैं हमें गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करने के लिए, बट हमारा भाई ब्रेकअप हो गया कुछ देर पहले ही, लाइक एक साल होने वाला है। अभी पूछोगे तो बता देंगे भाई स्टोरी, कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स में पूछोगे तो पूरा बता देंगे, वो अलग टॉपिक है साइड जस्ट ले बैठ। अगर आप किसी से बात वगैरह करते हो, बाइक चलाते नहीं या गाने सुनने के शौकीन हो, ठीक है आपको हैवी बेस चाहिए कुछ भी, तो गाइस इस हेलमेट के साथ जा सकते हो। इसमें आपको ये शॉक वेव का डिवाइस मिल जाता है। वेल होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेट मी जस्ट ओपन दिस बॉक्स। बॉक्स देखो यार, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, मतलब कितनी ऑसम चीज है यार हेलमेट। और ये मतलब परफेक्ट कुछ कॉम्बिनेशन सही गजब सही बनाते हैं यार ये, एकदम परफेक्ट सी पैकेजिंग है, राउंड गोल सी, ऐसा लगता है कि घड़ी वगैरह ले आए हो आप, है ना। तो इसमें गाइस क्या है, ये मैं पहले भी खोल के देख चुका हूँ और इवन बहुत सारी पैकेजिंग वीडियोस जब ये आ रही थी ना हेलमेट मेरे पास, तभी मैं पूरा यूट्यूब सर्च करके देख लिया था कि कैसी होती है पैकेजिंग। एंड लिटरली जो मेरी पैकेजिंग की वीडियो थी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, अनबॉक्सिंग वीडियो में प्रॉपर मजा आएगा जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था हेलमेट को, ठीक है। इसमें है हमारा शॉक वेव, मैं दिखा देता हूँ आपको होता क्या है। असल में क्या है कि ये जो हमारी रूरोक की हेलमेट है, इसमें आपको पीछे यहाँ पर एक स्लॉट मिलती है। आई डोंट नो, मैं कैमरा के पीछे कोई नहीं है, मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ, खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके पीछे यहाँ पर आपको एक वेंट सी मिलती है, ये वाली देख रहे हो, और इसे हम खोल सकते। मेरे नाखून नहीं है यार, कोई लड़की होती तो आराम से खोल देती यार। तो भाई ये ऐसे करके निकल जाती है और यहाँ पर आपको एक सॉकेट मिलती है, लाइक बहुत बड़ा सा छेद है, उंगली घुस सकती है इसमें। यहाँ पर ये दो प्लग्स हैं, ठीक है, ये दोनों कनेक्शन है, इसके अंदर ऑलरेडी पूरी वायरिंग वगैरह हो रखी है। तो आज हम इसमें ये शॉकवेव लगाने वाले हैं। इन्होंने शॉकवेव नाम दिया भाई, नाम बहुत मस्त देते हैं रूरोक वाले, जैसे एटलस राइजिन वगैरह पता नहीं क्या क्या। ये यहाँ पर देख रहे हो ब्रांडिंग, शॉकवेव एटलस 3.0। ओ भाई साहब, पैकेजिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो जस्ट देख रहे हो, ये जो स्पीकर्स हैं इनके ऊपर कितनी मस्त ब्रांडिंग हो रखी, ब्रांडिंग हो रखी है। एंड ये जो रिप्लेसमेंट पार्ट हमने हेलमेट से निकाला वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, ये अंदर से लंबा होगा, ठीक इसी के अंदर पूरा प्रॉपरली घुस जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। अब क्वालिटी की तो बात है भैया, देख रहे हो ये ढक्कन है अंदर से, और ढक्कन के अंदर से देखो कितनी मस्त एकदम, इसे यहाँ पर ऐसे रखते हैं। वेबसाइट पे देखा था इसके यूज़ करके आप इसको स्टैंड भी बना सकते हो ऐसे करके, एंड देन आपको हेलमेट आराम से खोलनी है। तो ये भाई दोनों साइड के खुल गए, अब हम इसमें करेंगे अपना शॉकवेव इंस्टॉल। तो गाइस ये है हमारा शॉकवेव डिवाइस, बस इतना सा ही है, इसे हमें फर्स्ट टाइम प्रॉपर चार्ज करना होगा, बट मैं हेलमेट में लगाने के बाद ही इसको चार्ज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये दो केबल्स दी गई हैं देख रहे हो, और यहाँ पर आपको दो स्लॉट्स दी गई हैं, एक एंटीना के लिए ठीक है, और दूसरी आपको मिल जाती है अपने स्पीकर्स के लिए। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे कनेक्ट करना होगा। ये देख लो एकदम बढ़िया से ये लग चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे हेलमेट का ही कोई पार्ट हो। इसे ऑन वगैरह करना अभी बाकी है। ये साइड पर आप देख रहे हो, यहाँ पर शायद ही आपको दिख रहे हो, ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर कनेक्शन है, इनमें हमारे स्पीकर्स और माइक लगेंगे। सो लेट्स डू इट। देन अंदर हमें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइक इंस्टॉल करने की ये जगह, ये वाली जगह, और लेफ्ट साइड में जो कुशनिंग है जहाँ पर हमारे कानों के स्पीकर्स आएंगे, वहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी वेलक्रो दे रखी है। तो जल्दी से इसे भी निकालते हैं भाई साहब, पैकेजिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, देख रहे हो वेलक्रो से निकालने पड़ रहे हैं स्पीकर्स। हो गया भाई ये एक कान का, ओहो दूसरे कान का सिस्टम पूरा जुड़ा है, ठीक है कभी एक ख़राब हो जाए हमें दूसरा चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड ये देख रहे हो यहाँ पर कितनी, मतलब पैकेजिंग में ही पूरा ध्यान ये फोकस्ड रहते हैं,
कि बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन दें, कस्टमर बस फिदा हो जाए। तो ये है माइक और दूसरा वाला एरिया, एंड इसमें हमारे पास और भी कुछ है। इसमें आपको एक मिल जाती है गाइस चार्जिंग केबल, ब्रेडेड चार्जिंग केबल है, बहुत ही तगड़ी वाली। और ओ भाई साहब, ये छुटकू सा मैनुअल, ये देख रहे हो कितनी मस्त पैकेजिंग में है, रॉक का लोगो, एंड देन आपको ये छोटा सा मैनुअल। ओवरऑल प्रिंट क्वालिटी गाइस मैं क्या बताऊँ, ये छोटी सी बुक ना खुद में ही चीज है, लाइक हैव अ लुक एट दिस। ये देख रहे हो रूरोक के ऊपर ब्रांडिंग। वेल, अगर अभी तक मजा आ रहा हो ना वीडियो में तो नीचे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ऐसे जबरदस्त कंटेंट भैया हम लाते रहेंगे। एकदम नाइस एंड स्नग तरीके से ना ये हमारे पूरे स्पीकर्स फिट हो गए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रूरोक का एक स्पीकर, दूसरी साइड पे दूसरा। तो अभी मैं इसे प्रॉपर पैक करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, बिकॉज यस यही लगाने हैं। बहुत ही इजी फिटिंग है यार, इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं थी, और तार वगैरह आपको एक भी नहीं दिखेगी, बिल्कुल ही फिट हो जाएगा कंपार्टमेंट, ठीक है। सो फाइनली भाई हमने 10 मिनट में इसे पूरा फिक्स कर लिया है, बस आपको बताना रहता है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस यार, ये कितनी परफेक्ट चीज़ है, इतनी प्रिसाइज चीज़ मैंने सच में आज तक नहीं देखी जो परफेक्टली एकदम काम करती हो। बिकॉज यू नो, जब भी मुझे बाइक पे जाना होता था, एक तार यहाँ से लटक दिया, ब्लूटूथ वाले भी प्रैक्टिकल नहीं है, कभी कान में ईयरफोन्स लगाते हैं, हेलमेट निकालते हैं, ईयरफोन भी धड़ाम से नीचे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मैंने कॉल की थी हेलमेट पहन के ऑब्वियसली, और पहले उससे पहले मैं गाने भी सुन रहा था, अभी क्लिप दिख जाएगी आपको, देखो जरा। तो ये वो क्लिप है भाई, देख रहे हो इतने मजे में, मतलब ये डीजे से ज्यादा आवाज आती है, एकदम घूम घूम करके मजेदार। बट गाइस एक चीज मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आप इसे खरीदते हो तो सीधा रोड पे जाके फुल वॉल्यूम करके मत चलाना, ठुकोगे वरना बिना मतलब में, उसमें रूरोक का और मेरा हाथ नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान से ही चलाना भाई। बट आवाज यार बहुत ही लिटरली क्लियर है, बेस काफी ज्यादा पंची है, हेडफोन से ज्यादा अच्छे हैं यार ये, लिटरली हेडफोन से भी ज्यादा अच्छा है इसका ब्लूटूथ सिस्टम। और वेल गाइस पीछे यहाँ पर आपको पूरे कंट्रोल मिल जाते हैं, देख रहे हो वॉल्यूम प्लस का बटन, सिंपली आपको अगर वन टैप ऑन करोगे, इसको दबा के रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपको दो लाइट्स दिखती हैं और बोलता भी है बंदा बहुत अंदर से कि पावर ऑन हो गया। यहाँ से आप वॉल्यूम फुल वगैरह कर सकते हो, दो ही बटन है गाइज, इस पर आप इसी दोनों से आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर कॉल वगैरह उठाने का सिस्टम है, सब कुछ है इसमें। आसपास की नॉइस आपको आ रही होती है, कार्बन फाइबर हेलमेट्स की आवाज़ आपको पता ही है, ये ऑडियो में डंप करने में इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हेलमेट के अंदर आपको ट्रैफिक की हॉर्न्स की आवाज़ बहुत साफ तरीके से सुनाई देगी, तो अगर आप हल्के हल्के गाने भी बजा देते हो तो अपना चिल मूड में रहोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो ये चीज़ भी गाइस बचती थी, ये देख रहे हो भाई इनकी ब्रांडिंग से ना मेरे को लगाव हो गया है, रूरोक प्लीज सेंड मी मोर समथिंग लाइक दिस, आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। पहली जो मेरी पुरानी वाली हेलमेट थी एम्प्टी रिवेंज, वो भी यहाँ पर रखी है, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें अगर मुझे कैमरा माउंट करना था ना जब, तो मुझे यहाँ पर एमसील लगानी पड़ी, ये देख रहे हो। बट इस हेलमेट में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ओ गॉड। इसमें आपको सिंपली ये मिलता है बहुत अच्छी पैकिंग के साथ, जिसके लिए रूरोक मशहूर है भाई। और इसमें हमारे कैमरा माउंट जो कि परफेक्टली एकदम रूरोक की एटलस 3.0 के लिए बनी है, सिंपली आपको इसे यहाँ पर चिपकाना है, एंड देन आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो भाई। मोटो व्लॉगिंग वाला सेटअप मैं ज़रूर डालूंगा, अगर तुम लोग बोलोगे तो नीचे कमेंट करके बोलो अगर तुम्हें मोटो व्लॉगिंग सेटअप चाहिए तो। फिलहाल हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें सिंपली हमें 3M टेप दे रखी है, प्रॉपर शेप में आई है क्योंकि इसको यहीं पर जगह है, इसके अलावा दूसरे माउंट आप लगाओगे तो बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वेल, ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया, अब ये कहीं नहीं जा सकता। एंड जस्ट मैं आपको फॉर रेफरेंस पर्पस अपना GoPro Hero 9 इस पे लगा के दिखा देता हूँ, तरीके से आपका कैमरा आराम से लग जाएगा। इसके नीचे मुझे बोल्ट लगाना बाकी, बट मुझे बोल्ट अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। बट कुछ इस तरीके का हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप होने वाला है। अगर आपको भी ऐसी हेलमेट लेनी है तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी राइडिंग में। यही एक ऐसी चीज़ है जिसको सच में मैं महंगा कंसिडर करता हूँ, बिकॉज सच में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हेलमेट है, पूरा सेटअप ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट जो मज़े ये सेटअप देता है वो और कोई नहीं दे सकता। ये बैटमैन वाली चीज़ ना यार प्यार बन गई है मेरा, मतलब प्रॉपरली। और अभी आपको ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, इसी से मैचिंग कलर हम अपनी बाइक में करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स कार में, तो अगर आपको वो देखना हो तो नीचे जाओ सब्सक्राइब कर लो याद से भाई, बेल आइकन भी ध्यान से दबा लो, ऐसा प्रीमियम स्टफ तुम्हें देखने को बहुत सारा मिल जाएगा। और साथ ही में कमेंट करके बताना अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है इस रूरोक के बारे में, एंड बहुत जल्दी रूरोक के साथ हम कोलैबोरेट करके एक अच्छा सा गिव अवे भी हो सकता है ले आए।
तो भाई चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना गाइज तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू।